नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। इस वक्त की एक बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से आ गई है उन लोगों के लिए जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, सबके लिए केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब आप अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य सरकार इस मामले में उस दोनों राज्य सरकारों के बीच में विशेष बातचीत होगी। एक विशेष प्रोटोकॉल के तहत दोनों राज्य सरकार इस पर काम करेंगे, चाहे जिस राज्य में लोग फंसे हुए हैं और जिस राज्य के हैं, दोनों राज्य सरकारों के बातचीत के बाद ये लोग वापस जा पाएंगे। तो ऐसी बातें गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई है। एक पत्र जारी किया गया है, एक गाइडलाइन जारी किया गया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जिक्र किया गया है तमाम चीज़ों का, जो कि आज आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह जारी किया गया है 29 अप्रैल को, मतलब आज यह जारी किया गया। इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि अब वो लोग वापस जा सकते हैं जो किसी अन्य राज्यों में, किसी अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, उन्हें वापस जाने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए विशेष बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे सैनिटाइज भी किया जाएगा। खासकर इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा कि उनमें कोई लक्षण नहीं हो। अगर किसी में इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उन सिम्टम्स वालों का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा बसों में। इन सब बातों का जिक्र किया गया है, तमाम चीज़ें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सहित उन तमाम राज्यों के मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जो लोग अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, जो लोग काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या फिर किसी अन्य काम से बाहर गए थे और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ पाए, उनके साथ लगातार परेशानी हो रही थी, वो वापस नहीं आ पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें वापस भेजने के लिए कुछ किया जाए। इसके बाद आज गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब तमाम लोगों को वापस भेजने की तैयारी कर दी गई है। बसों के माध्यम से उन लोगों को भेज दिया जाएगा, चाहे वह बिहार के हो, चाहे किसी अन्य राज्य के हो, जो भी दूसरे राज्य में फंसे होंगे उन्हें प्रोटोकॉल के का पालन करते हुए वापस भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। तो बसों से वापस लाए जाएंगे तमाम छात्र, तमाम मजदूर जो भी हैं। लगातार इसको लेकर जो है वह सियासत भी तेज होने लगी थी। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था कि बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन एक बड़ी बात कि क्या अब लॉकडाउन बढ़ेगा, इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कह दिया गया है कि उन लोगों को वापस लाया जाएगा, तो इसके बाद कई तरह की बातें सामने आती है, कई चीज़ों की संभावनाएं दिख रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन इस वक्त की यह एक बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश हो गया कि अब वो लोग वापस आ पाएंगे जो लोग बाहर फंस गए थे। तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।